बीच बड़ी खबर, जहां थोड़ी देर में बाबा बागेश्वर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दिव्य दरबार को लेकर जानकारी साझा कर सकते हैं। बाबा के दरबार में जुट रही काफी भीड़ और भीड़ की वजह से कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ी है। ऐसे में कई संभावनाएं यहां पर नजर आ रही है। हो सकता है जो कार्यक्रम है उसमें कुछ तब्दीलियां की जाए या फिर कार्यक्रम को स्थगित भी किया जा सकता है। थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ी देर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पूरी तैयारियां हो गई है, अब देखते हैं क्या कुछ कहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नजर हमारी बनी हुई है और पल पल की अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। थोड़ा इंतजार करना होगा, जैसे ही कुछ बोलते हैं और क्या कुछ कहते हैं उससे आपको रूबरू कराएंगे। बहरहाल थोड़ी देर में यह जानकारी मिल रही है कि दिव्य दरबार को लेकर जानकारी साझा कर सकते हैं बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दरअसल दरबार में लाखों की भीड़ उमड़ रही है और गर्मी की वजह से कई लोगों के बीमार होने की जानकारी भी बाबा तक पहुंची। ऐसे में बाबा ने खुद अपील की है लोगों से कि घरों पर बैठकर टीवी के माध्यम से कार्यक्रम देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग ना आए, ताकि वे नहीं चाहते कि कोई बीमार पड़े। ऐसे में अब से थोड़ी देर में बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद खास है, क्योंकि जिस तरीके से लाखों की संख्या में यहां पर लोग आ रहे हैं, दिव्य दरबार में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि बाबा कुछ खास कह सकते हैं, कोई खास जानकारी दे सकते हैं, कार्यक्रम में तब्दीलियां हो सकती है। ये बड़ी जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से निकल कर सामने आ रही है कि कार्यक्रम में कुछ तब्दीली की जानकारी बाबा बागेश्वर साझा कर सकते हैं। बहरहाल हमारी नजर है, हमारे तमाम सहयोगी पल पल की अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं और जैसे ही बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कार्यक्रम में होगी तब्दीली, या फिर क्या जिस तरीके से उन्होंने अपील की है ज्यादा से ज्यादा लोगों से कि वे घरों में बैठकर टीवी के माध्यम से कार्यक्रम देखें। ज्यादा भीड़ होने की वजह से कई लोगों की जो तबीयत है वो नासाज हो गई थी।